हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान इन दिनों काफी वजहों से चर्चा में है। जैसे कि एक तो उनकी फिल्म राधे का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, ट्रेलर को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच राधे की वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए सलमान खान और उनके फैंस बहुत एक्साइटेड है। खैर, आज हम बात राधे की नहीं करेंगे, सलमान खान की किसी फिल्म की नहीं करेंगे, बल्कि असल जिंदगी में कैसे सलमान खान एक हीरो के रूप में सामने आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बार याद दिला दें कि पिछले साल जब कोरोना काल था और जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान सलमान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में थे और वहीं से उन्होंने बींग हंग्री नाम से एक नई पहल की थी और उसके तहत उन्होंने गरीबों को और मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को खाना पहुंचाया था, राशन पहुंचाया था, ताकि कोरोना काल में उनकी कुछ मदद की जा सके। इन सब के बीच एक बार फिर सलमान खान जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसके साथ साथ सलमान फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी मदद कर रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में आप जानते ही हैं, पुलिस वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इनके लिए सलमान खान और उनकी टीम नाश्ते का इंतजाम कर रही है। रोजाना कई कई हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये खाना पहुंचाया जा रहा है और इन सब से जो जुड़ी हुई ताजा अपडेट सामने आई है वो ये कि सलमान जो खाना भेज रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, उसको पहले वो खुद टेस्ट कर रहे हैं कि उस खाने का स्वाद कैसा है, उसमें पौष्टिक चीजें हैं या नहीं है, उसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है, और ये सारी चीजें सलमान खुद पर्सनल लेवल पर जाकर चेक कर रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें सलमान वहां पर खड़े हुए मौजूद है जहां पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है और बाकायदा टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद ओके का इशारा दे रहे हैं, फिर अपना मास्क पहन रही है। कुछ सेकंड्स का ये वीडियो है लेकिन ये फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद कर रहे हैं। आप बताइए सलमान का ये जेस्चर आपको कैसा लगा? That.